ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शिष्य आज्ञा गुरुदेव। यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित करो। जो आज्ञा गुरुदेव। Oh,
इस बार तुम्हारी एक ना चलेगी देवराज, मेरी शक्ति मेरे शिष्य की हर पल रक्षा करती रहेगी। तुम उसकी तपस्या कदापि भंग नहीं कर सकते, कदापि नहीं। कोई शक्ति कयाधु और उसके पुत्र की रक्षा कर रही है। अब तो एक ही उपाय रह गया है। हिरण्यकश्यपु बच गया पर उसका परिवार नहीं बचेगा। अर्थात ये कि उसकी पत्नी कयाधु पुत्र को जन्म देने वाली है। हम कयाधु पर प्रहार करेंगे, उसके पुत्र को समाप्त कर देंगे। ये समाचार सुनते ही हिरण्यकश्यप को अपनी तपस्या भंग करनी पड़ेगी। पर हे देवराज, उसकी पत्नी और पुत्र ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उसका पुत्र तो अभी गर्भ में है, अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ। समझने का प्रयत्न कीजिए वरुण देव, समझने का प्रयत्न कीजिए। वो जन्म लेगा तो अपने पिता की ही परंपरा को आगे बढ़ाएगा। जिस प्रकार हिरण्यकश्यपु उन्मुक्त अनाचार व्यभिचार और अत्याचार में अपने भ्राता हिरण्याक्ष को पीछे छोड़ गया, उसी प्रकार उसका यह पुत्र भी अपने पिता को पीछे छोड़ देगा। और हमें तो यूं भी हिरण्यकश्यपु के पूरे वंश को समाप्त करना है। तो फिर देवराज, अब हमारे लिए क्या आदेश है? अग्निदेव, आप वहां पहुंचे जहां कयाधु है और उस पर ऐसा अग्नि बाण मारिए कि शिशु गर्भ में ही दम तोड़ दे। जाइए, इस कार्य में विलंब ना हो। जो आगे देवराज। हे कमलनयन, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। माना कि असुर हिरण्यकश्यपु मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने मानव लोक में आतंक फैला रखा है, परंतु इसके उत्तर में किसी बालक से जन्म लेने का अधिकार ही छीन लेना, किसी माता के गर्भ को छलनी कर देना तो घोर अन्याय है, अत्याचार है, नृशंसता है। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूँ महादेवी। अत्याचार का उत्तर अत्याचार से देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अग्नि को अग्नि से बुझाने का प्रयास करना। अत्याचार का दंड अवश्य देना चाहिए, पर केवल अत्याचारी को, पापी को, उसके परिवार के सदस्यों को नहीं। और ऐसे सदस्य को तो कदापि नहीं जिसने अभी जन्म ही न लिया हो, जिसे अपने पिता के पाप का ज्ञान ही न हो। हे कमल नयन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक ओर कयाधु की कोख में पलते बालक को लेकर मैं चिंतित हूं, तो दूसरी ओर निर्दोष मानवों पर हो रहे अत्याचार को देखकर मैं व्याकुल हूं। मैं आपका दुख समझता हूं महादेवी। यदि ऐसी स्थिति बन जाए कि दो परस्पर विरोधी गुटों की लड़ाई में दोनों ही पक्षों के केवल निर्दोष और असहाय तत्व ही अत्याचार और आतंक के लक्ष्य बन जाएं, तो हर उदार मन तड़प उठता है। फिर आपके पास तो मां का हृदय है। हिरण्यकश्यपु और देवराज दोनों ही अनुचित कार्य कर रहे हैं और उन्हें एक साथ केवल आप ही रोक सकते हैं। देवराज उस मां के गर्भ में पल रहे बालक को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, मैं आपको यह वचन देता हूं। और हिरण्यकश्यपु का आतंक, उसे आप नहीं रोकेंगे? उसने तो मानवों का श्वास लेना भी दुर्लभ कर रखा है। हे महादेवी, जिस प्रकार दीपक जिस अंधकार को मिटाता है, वो अंधकार उसी के नीचे जा छुपता है।
उसी प्रकार कभी कभी सत्य को असत्य के नीचे और पुण्य को पाप के नीचे ही शरण मिलती है। एक पापी सत्य को संसार से मिटाने की धुन में यह भूल जाता है कि सत्य तो वहां भी पल सकता है जहां कभी उसने सोचा ही न था। कदाचित उसके अपने घर में। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। असुर राज हिरण्यकशिपु ने मेरा नाम लेने वालों को समाप्त करने का प्रण किया है। उसका दंड यह है महादेवी कि मेरा सबसे बड़ा नाम लेवा उसी के घर में जन्म लेगा। उसके अभिमान को स्वयं उसका रक्त ललकारेगा। आप तो बस देखती जाइए महादेवी, उसी के बालक के रूप में एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली है जिसे संसार कदापि नहीं भूल पाएगा। महादेवी, जिस प्रकार विष ही विष का अंत भी करता है, उसी प्रकार असुरों के आतंक का अंत असुर पुत्र ही करेगा। उस बालक की कयाधु के गर्भ में रक्षा और हिरण्यकशिपु के आतंक का अंत दोनों ही मेरे हाथों में है, और ये दोनों कार्य मैं करूंगा। आप तो रहस्यों के रहस्य हैं, भेदों के भेद, पर अब मुझे संतोष हो गया है कि आप मेरी सारी चिंताएं अवश्य दूर कर देंगे। कैसी हो वधुरानी? मेरा मन बहुत घबरा रहा है माते। इन दिनों में बहुधा ऐसे ही होता है। मां बनने वाली हर स्त्री यही चाहती है कि ऐसे समय में उसका पति उसके पास हो, उसके साथ हो। परंतु माता, क्या असुर राज का मुझे इस अवस्था में छोड़कर जाना इतना आवश्यक था? क्या वे कुछ समय रुक नहीं सकते थे? इच्छा तो मेरी भी यही थी कि इस समय हिरण्यकशिपु तुम्हारे पास होता, परंतु होनी को कौन रोक सकता है वधुरानी? पुत्र हिरणाक्ष के वध के शोक ने पुत्र हिरण्यकशिपु की कुछ और सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। परंतु तुम चिंतित क्यों होती हो? तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम पर कोई विपदा नहीं आ सकती। माते, न जाने क्या होने वाला है, मुझे बहुत ही भय लग रहा है। धीरज रखो वधुरानी, अब तुम विश्राम करो।
आप असफल हो गए और कयादु के गर्भ में पलते बालक कांत नहीं हुआ, ये तो बड़ा शुभ समाचार है। हाँ देवराज, अब तो लगता है कि वो बालक जन्म लेकर ही रहेगा। नहीं नहीं अग्निदेव, भाग्यवश हिरण्यकश्यपु की तपस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। इससे पहले कि वो अपना तप समाप्त करे, हम असुर लोक पर आक्रमण कर देंगे और उस पर अधिकार कर लेंगे। तत्पश्चात कयादु को बंदी बना लेंगे। आइए मेरे साथ। सारथी रथ रोको। यह महारानी कयादु का कक्ष है, बिना आज्ञा यहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जाओ मेरे सामने से सेनापति विडाल। नहीं देवराज, मेरे जीवित रहते आप महारानी कयादु के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश तो मैं करूंगा, अब यदि इसके लिए तुम्हारा जीवित न रहना आवश्यक है तो फिर ऐसा ही होगा। परंतु मेरा परामर्श मानो तो आत्महत्या मत करो, मुझे अंदर जाने दो। मैंने अपने महाराज हिरण्यकश्यपु को वचन दिया है कि अपनी अंतिम सांस तक महारानी की रक्षा करूंगा और वचन मैं निभाना भी जानता हूं। Yeah!
सैनिकों, संपूर्ण असुर लोक को पूरी तरह तहस नहस कर दो, कुछ भी बचने न पाए। मैं महारानी कयाधु के कक्ष की ओर जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक मेरे आदेश का विलंब पालन हो। जाओ। चाहते हैं आप देवराज? देवी, मेरी विनती है कि आप मेरे संग चली चलें। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। जानते नहीं, मैं मां बनने वाली हूं। जानता हूं देवी, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको मेरे साथ देवलोक चलना होगा। नहीं, मैं अपने पति का घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी स्थिति पर छोड़ दीजिए। देवी, मैं नहीं चाहता कि बल का प्रयोग करूं। आप मेरा अपहरण करेंगे देवराज? एक ऐसी नारी का अपहरण जिसके गर्भ में संतान पल रही है? यदि आप मेरी विनती को यही नाम देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर चलना तो होगा आपको। मुझ पर दया करें देवराज, आप तो देवता हैं। यदि आप भी ऐसा दुष्कर्म करेंगे तो संसार का क्या होगा? मैं तुमको इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि तुम जिसको जन्म देने वाली हो वो भेड़िए का शिशु है। भेड़िए का शिशु भी भेड़िया होता है। चलो। नहीं, चलो। मैं आपका दुख समझ रहा हूँ प्रिये। मुझे देवराज से ही आशा न थी। एक अबला से ये व्यवहार, और अबला भी वो जो माँ बनने वाली है। मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूँ प्रिये, बहुत दुखी। नारी का अपहरण, फिर चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, फिर चाहे कोई नीति या कूटनीति का अंश ही क्यों ना हो, परंतु एक महान पाप है, एक अक्षम्य अपराध है। और यदि ये पाप या अपराध देवगण ही करने लगे तब तो फिर अंधेर है। देवता मानव के आदर्श है, और यदि देवता ही दुराचार करने लगे तो मानव किसका अनुसरण करेगा? कयाधु को बचाइए देवेश्वर, कयाधु को बचाइए। चलो। आओ, आओ मेरे साथ। नहीं, आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। क्षमा करें देवराज, मैं कदाचित अनुचित समय पर आ गया। आप ये जो महान कार्य कर रहे हैं इसमें संभवतः मैंने बाधा डाल दी, मुझे इसका खेद है। आप व्यंग कर रहे हैं देवर्षि। मुझ में इतना साहस कहां देवराज कि मैं आप जैसे महान व्यक्तित्व पर व्यंग करूं? आप देवताओं के राजा हैं, सबको चरित्रवान बनने, सत्य मार्ग पर चलने के उपाय बताते हैं। आप पर तो वही व्यक्ति व्यंग कर सकता है जिसे अपने प्राणों की चिंता न हो। पर मैं क्या पूछ सकता हूं देवराज कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इस नारी के गर्भ में एक पुत्र पल रहा है, यह मां बनने वाली है। यह कोई नया समाचार नहीं है देवराज। हर स्त्री विवाह के उपरांत कभी शीघ्र कभी देरी से मां तो बनती ही है। जानता हूं देवर्षि, पर इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु जैसे अत्याचारी का पुत्र है। पुत्र तो पुत्र ही होता है देवराज, वह चाहे सदाचारी का हो चाहे अत्याचारी का।
पर आप इस नारी का करेंगे क्या देवराज? इसको बंदी बनाकर रखूंगा और जब ये पुत्र को जन्म देगी तो उसका वध कर दूंगा। इसलिए देवराज, क्योंकि यदि मैं आपको बधाई दूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं आप में और हिरण्याक्ष में कोई अंतर नहीं समझता। उसने भी एक नारी धरती का अपहरण किया था, और यदि मैं शोक प्रकट करूं तो कहीं आप रुष्ट न हो जाएं। वैसे देवराज, आपने अग्निदेव को भेजकर कयाधु के गर्भ में पलने वाले बालक का वध करना चाहा था, उस अभियान का क्या हुआ? वो अभियान असफल हो गया। क्यों? कैसे असफल हो गया? किसी शक्ति ने उसकी रक्षा की थी। नारायण नारायण, तो आपको विश्वास है देवराज कि जिस शक्ति ने इस बालक के जन्म लेने से पहले उसकी रक्षा की थी, वह इसके जन्म लेने के उपरांत उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी? आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? कुछ नहीं, इतना ही कि जिस शक्ति ने अब तक इस बालक की रक्षा की, उस शक्ति का अवश्य कोई उद्देश्य रहा होगा। हो सकता है एक ऐसे बालक का जन्म हो जो असुरों का इतिहास ही बदल दे, उनकी नीतियां बदल दे। मेरा परामर्श स्वीकार करें देवराज, इस अबला को छोड़ दें। नारी का अपहरण एक घिनौना और एक अप्रिय कार्य है, फिर वह कार्य देवता के ही हाथों क्यों न हुआ हो। आप जिनको प्रसन्न करने के लिए यह कार्य कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होगी। छोड़ दीजिए सबला को। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। क्रोध की भावना मुझसे एक अनुचित कार्य करवा रही थी। आपको धन्यवाद कि आपने मेरा मार्गदर्शन कर दिया। सत्य है कि आप महानतम मार्गदर्शक हैं। देवी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जाइए, अब आप मुक्त हैं। पर मैं कहां जाऊं देवराज? आपने तो समस्त असुर लोक को तहस नहस कर दिया है। आप इसकी चिंता ना करें देवी, मेरी कुटिया किस दिन काम आएगी? वहां राजभवन जैसा सुख तो नहीं, पर आपकी रक्षा मेरा उत्तरदायित्व होगा। आइए, बालक के जन्म तक आप मेरी कुटिया में पधारें। आइए चलिए। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापते नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापते नमः। हिरण्यकश्यपु मुझे पुकार रहा है, मैं क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? नहीं जाता हूं तो मुझ पर दोष लगेगा कि मैं अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनता। जाऊं तो वो जाने मुझसे क्या वरदान मांगे। मैं भली भांति जानता हूं वो मुझसे जो भी मांगेगा उसका प्रयोग देवताओं के विरुद्ध ही करेगा, पर मैं उसकी अनसुनी भी तो नहीं कर सकता। Oh,
देवी ये दूध पी लें और कुछ फल ग्रहण कर लें। नहीं देवर्षि, मेरा मन कुछ भी खाने पीने को नहीं कर रहा है। देवी, मैं जानता हूं कि आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में हर स्त्री यही चाहती है कि वो अपने घर पर हो, अपनों के साथ हो, पर आप मेरी इस कुटिया को अपना ही घर समझें और मुझे भी अपना ही समझिए। ये दूध पी लीजिए। धन्यवाद देवर्षि, आपने मुझे बचाकर और मुझे यहाँ लाकर मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, परंतु वास्तव में मुझे भूख नहीं लग रही है। मैं जानता हूँ देवी, आप जिस अवस्था में हैं उसमें बहुता भूख मर जाती है, किंतु गर्भवती स्त्री को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस अवस्था में आहार केवल स्त्री के लिए नहीं होता है, ये आहार उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी होता है। ये उन दोनों को शक्ति देता है, बल देता है। लीजिए देवी, पहले आप ये दूध पी लें और फिर फल ग्रहण कर लें। क्या हुआ महादेवी? हे कमल नयन, हमारे देवर्षि तो कयाधु को ऐसे समझा रहे हैं और उसकी इस प्रकार सेवा कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत ही अनुभवी और जानकार व्यक्ति हो। मेरा जीए, महादेवी देवर्षि जो कर रहे हैं उसका संबंध अनुभव और ज्ञान से नहीं है, प्रेम और सहानुभूति की भावना से है। कोई भी यदि जीवन से प्रेम करने लगे, मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखे, तो प्रकृति आप ही सब कुछ सिखा देती है, सब कुछ समझा देती है। यदि मन में एक दूजे के प्रति प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति जागे तो ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। प्रेम के ढाई अक्षर परंतु ज्ञान के सबसे महान भंडार हैं। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि देवर्षि ये सब जानते हैं कि गर्भावस्था नारी के जीवन की वो अवस्था है जिसमें उसे सदैव अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए और अच्छी वस्तुओं का ध्यान करना चाहिए। इस अवस्था में ये सब बातें नितांत आवश्यक है। ये तो वो जानते ही हैं, पर कुछ और भी जानते हैं। और क्या जानते हैं देवर्षि? देवर्षि ये जानते हैं कि गर्भावस्था में नारी के गर्भ में पल रहा शिशु जीवित और सचेत होता है। माता जो देखती है, जो सुनती है, शिशु उससे अवगत रहता है, प्रभावित होता है। तभी तो देवर्षि उसे सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। देखिए ना महादेवी, देवर्षि उसे क्या कह रहे हैं। मैंने बालक ध्रुव को समझाने की बहुत चेष्टा करी, किंतु वह भी नारायण के दर्शन का हट करता रहा और वह दर्शन करके ही माना। आप तो बड़ी मनमोहक बातें करते हैं देवर्षि। देवी, माता लक्ष्मी भी यही कहती हैं कि मैं बड़ा बातूनी हूं, किंतु आपसे अपनी सबसे मनमोहक बात तो मैंने अभी तक नहीं कही। सुनिएगा। अवश्य सुनूंगी, आपकी तो एक एक बात मेरे कानों से होकर मेरे मन में उतर जाती है। क्या है आपकी सबसे मनमोहक बात? देवी, अपनी बात जो मुझे सबसे मनमोहक, सबसे प्रिय और सबसे सुंदर लगती है, वो हैं बस ये चार शब्द, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु नाम ले गर्भ में कितनी ऊंची बात, होनहार विरवान के होत चीकने पात। हे माता तू धन
संत